यस फ्रेंड, चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या स्टार्ट कर रहे अपन? कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा किसको बोले? जब ट्रांजैक्शन कैश और बैंक दोनों होना। कॉन्ट्रा मींस अपोजिट। जैसा कैश बुक में अपन एंट्री पास करते थे, कैश डिपॉजिट कर रहे, कौन सी सिचुएशन में आती कॉन्ट्रा एंट्रीज? कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक से, कैश विड्रॉ कर रहे हैं, ये एक बैंक से दूसरे बैंक में बैंक अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे, ट्रांसफ़र अमाउंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, तो जब क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री लगती है। एक ठीक है, और आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ये कहाँ काम आने वाला है, कहाँ पे दिखने वाला है? बैंक स्टेटमेंट में दिखेगी। कैश डिपॉजिट करे, कैश विड्रॉ करे और ट्रांसफ़र करे एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। देखिए अपन इसकी एंट्रीज पास करते हैं। क्या ये पहला ट्रांजेक्शन? कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक, तो इसकी फंक्शन की क्या रही थी? F4 फंक्शन की। ये अपना फॉर्मेट है, डेट फंक्शन की, पर्टिकुलर अंडर हेड यानी अंडर हेड ग्रुप, डेबिट और ये क्या है, ये क्रेडिट। F4 पहला क्या करे अपन ने? कैश डिपॉजिट करे, तो कैश अपने पास से जा रहा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और SBI बैंक क्या है? अपना पर्सनल अकाउंट है, तो वो डेबिट द रिसीवर करके उसको डेबिट करे और कैश अपने पास से जा रहा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अंडर हेड, अभी इसको मैं बता रहा हूँ कि अंडर हेड, अंडर SBI बैंक को क्या अंडर हेड देना है? ये अलग अलग लेजर है, इसको अंडर हेड क्या देना पड़ता? बैंक अकाउंट, बैंक है तो बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट अंडर हेड दिया। और कैश पहले से रहता टैली के अंदर, तो इसको सेलेक्ट करें अपन ने, इसको मैंने अंडर हेड SBI को अंडर हेड बैंक अकाउंट दिया। अभी इसका कितना था डेबिट अमाउंट? डेबिट अमाउंट कोई भी ले लेते अपन, कैश कैश डेबिट अमाउंट कितना है इसका? 120, मैंने 120,000 यहाँ पर ले लिया। डेबिट जितना रहता उतना क्या रहता? क्रेडिट रहता 120, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपना क्या कर रहे हैं? अपन विड्रॉ कर रहे हैं 30,000 फ्रॉम SBI बैंक, विड्रॉ की सिचुएशन है, तो कैश अपने पास आ रहा, डेबिट व्हाट कम्स इन, और SBI बैंक अपने पास अपने को दे रही, क्रेडिट द गिवर। अगर किसी को जैसा रूल समझने में प्रॉब्लम जाता है, तो मैंने प्लेलिस्ट के अंदर बेसिक कंसेप्ट बोल के एक, उसके अंदर पूरे बेसिक कंसेप्ट का उसमें एक्सप्लेन किया है, आप उसमें चाहे तो आप बेस थोड़ा सा स्ट्रांग कर सकते हैं। तो इसको भी अंडर हेड कुछ देते कि अपन कैश को ये सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट करते हैं। SBI पहले आया क्या लेजर? पहले आया, तो इसको अपन पहले बैंक अकाउंट दिए, तो अब इसको क्या करना पड़ता? बस सेलेक्ट करना पड़ता। अभी ये सेलेक्ट का क्या मीनिंग है वो जब मैं प्रैक्टिकली अभी करा रहा हूँ एक 5 मिनट के बाद, तो आपको ईजिली और अंडरस्टैंड हो जाएगा। एक बार पहले वो आ गया ना SBI, उसको बैंक दे दिए ना, तो आप अपनी लिस्ट में आ जाता हो, तो उसको सेलेक्ट करना पड़ता बस, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है? 30,000 डेबिट, 30,000 क्या हो रहा? क्रेडिट। तो ऐसी, और इसकी फंक्शन की क्या है? ये F4 है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 3,000 ट्रांसफ़र फ्रॉम SBI बैंक टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन से अकाउंट से कौन से अकाउंट में जा रहा? SBI से जा रहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ले रहा, तो करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र डेबिट द रिसीवर और SBI बैंक दे रहा क्रेडिट द गिवर, दोनों भी पर्सनल अकाउंट है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहले से है क्या? वो नहीं है, ऊपर आया क्या पहले कहीं यहाँ पर? नहीं आया, तो इसको अपने को क्रिएट करना पड़ेगा बैंक अकाउंट बोल के। अगर वो लेजर पहले से बने हुआ है तो सेलेक्ट करना है, ये पहले से है ना बने हुआ, यहाँ पे देखो पहले से बने हुआ SBI, ठीक है। कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपन? 3,000। इधर भी कितना कर रहे हैं? डेबिट इक्वल टू क्रेडिट 3,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 1,500 ट्रांसफ़र फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू SBI। अब उल्टा हो रहा है, तो ये जो क्रेडिट करे थे इसको डेबिट करें, और ये जो डेबिट करे थे ऊपर इसको क्रेडिट करें, क्योंकि ट्रांजेक्शन उल्टा हो रहा। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र से SBI में जा रहा, तो SBI ले रहा डेबिट द रिसीवर और बैंक ऑफ महाराष्ट्र दे रहा क्रेडिट द गिवर, दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों भी ऊपर आ गए। और अमाउंट कितना है? 1,500। अभी क्या है ये देखो, एक एंट्री में कॉन्ट्रा की मीनिंग क्या है? एक ही एंट्री में कैश और बैंक दोनों दिखना। देखो ये एंट्री में भी कैश और बैंक दोनों दिख रहा,
ये एंट्री में भी कैश और बैंक दोनों है, और बैंक टू बैंक भी रहा तो भी वो क्या रहती है, कॉन्ट्रा एंट्री। ये देखो बैंक टू बैंक है, इसमें भी बैंक टू बैंक है, एक में कैश है। अगर जैसा फॉर एग्जांपल मैं कोई सैलरी पेड करता हूँ कैश में, एक मिनट में यहाँ पे ट्रांजेक्शन ले लेता हूँ, एक एक्स्ट्रा सैलरी पेड करा, एक इजीली और क्लियर हूँगा, सैलरी पेड ऑफ ₹3,000। तो मैंने इसकी जनरल एंट्री पास करा, सैलरी अकाउंट डेबिट कैश, ये कैश में करें ठीक है, टू कैश अकाउंट आ जाएंगे एंट्री में। सैलरी मेरा एक्सपेंस है, सॉरी कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैं इसको अंडर हिट क्या दूंगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहता मेरा है। एक एग्जांपल क्लैरिफिकेशन दे रहा मैं, बस अपन ये ले रही नहीं ठीक है। अभी ये मैंने अलग से इसका ट्यूटोरियल बनाया है, वो FI में पास होता, तो बस मेरा यही मकसद था कि सैलरी टू कैश, देखो यहाँ कैश है लेकिन बैंक है क्या यहाँ, तो इसको कॉन्ट्रा नहीं बोलेंगे, ये FI में जाती है एंट्री, लेकिन ये अपना पार्ट नहीं है आज। अपना टॉपिक क्या है, ये कॉन्ट्रा एंट्री पार्ट है अपना बस। तो वो मैंने अलग से FI का बनाया हुआ है, वो आप एक बार देख लेना। मेरा मेन मकसद क्या था, क्या कैश है लेकिन बैंक नहीं है उसके अंदर डेबिट, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं रहेगा ठीक है। अपने ये चार चार एंट्री अपने को सीखना है ठीक है। इसका मैं प्रैक्टिकल करा रहा आपको। ये मैं अकाउंटिंग वाउचर में गया, यहाँ पे मैंने डेट F2 प्रेस किया, F2 क्या था यहाँ पे A18, फर्स्ट एट ईयर खुद ब खुद ले लेंगे वो। यहाँ पे आके फिर अपना दूसरा कॉलम क्या है, फंक्शन की का है, तो मैंने यहाँ पे आके फंक्शन की प्रेस किया, उसकी क्या फंक्शन की है F4। तो देखो F4 बोलते ही यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्ट्रा आ गया। F4 जैसी प्रेस किया मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री आ गया ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे आया, अब नीचे आने के बाद एकदम आराम से एकदम कॉन्सेंट्रेशन से थोड़ा सा यहाँ पे पहले क्या पूछा उसने, क्रेडिट पूछा। ये रिसिप्ट में और कॉन्ट्रा में क्या होता है, उल्टा पूछता है वो, यहाँ पे ये क्रेडिट पूछा पहले उसने, तो अपने पास क्रेडिट नीचे वाला ये क्रेडिट है, तो पहले ये लेना होगा, कैश लेना पड़ेगा। तो ये कैश तो पहले से ही है बाय डिफ़ॉल्ट। ये देखो मैंने पहले ही बोला यहाँ पे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, बस ये पहले से रहता है। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, 1,20,000 अमाउंट है उसकी। अब क्या पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, अब डेबिट पूछ रहा है। अभी तो अपने पास डेबिट ये है क्या, ये SBI है, नया लेजर आया ना, यहाँ पे L+C करके इसको क्रिएट, ये जो ब्लैंक लाइन है ब्लैक लाइन है, तो यहाँ पर आके क्या करना पड़ता कि L+C प्रेस करना पड़ेगा दोनों एक साथ आपको, L+C। मैं L+C प्रेस किया, नया लेजर आया, तो कौन सा लेजर है और लेजर का नाम क्या है, SBI अकाउंट। यहाँ पे मैंने आके SBI डाल दिया, और इसका अंडर हेड क्या है देखो, सामने उसके बैंक अकाउंट है, और ये अंडर हेड का है, ये देख रहे हो बैंक अकाउंट अंडर किसके है, तो बैंक अकाउंट है। यहाँ पे मैंने B दबाया तो ये लिस्ट ओपन हो जाती है राइट साइड में, लिस्ट देख रहे हो, यहाँ पे बैंक अकाउंट है। यहाँ पे मैंने लिया बैंक अकाउंट, सेलेक्ट हो गया 1,20,000। और यहाँ पे आप नरेशन लिखना है तो ये कुछ नहीं है, यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्या करें अपन ने, डिपॉजिट करें ठीक है। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड एंट्री में क्या है, विड्रॉ करें। सेकंड एंट्री में क्या करें, विड्रॉ करें, ये भी F4 में। ये चाहे तो आप चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, मैंने दो ले लिया यहाँ पर F2 से मैंने यहाँ पर डेट चेंज किया, क्या है 2/8 ठीक है। अब फिर से यहाँ क्रेडिट पूछ रहा है, तो अपने पास क्रेडिट क्या है पहले वो देखना है। यहाँ पे वो उल्टा पूछ रहा है ना, ये क्या पूछ रहा है, क्रेडिट है ये ठीक है, ये क्रेडिट पूछ रहा है, तो अपने पास क्रेडिट क्या है, SBI है। ऊपर का डेबिट रहता है, नीचे का क्रेडिट रहता है, तो SBI ले लेंगे अपन। और SBI क्या है, पहले से अपने पास बना हुआ है। S दबाएंगे आप यहाँ पे आके, ये ब्लैक में अगर S दबाएंगे तो यहाँ पे SBI खुल जाएगा। तो इसको मैंने सेलेक्ट करा, इसका क्या मतलब हुआ है, SBI का ही सेलेक्ट, ये मतलब हुआ है सेलेक्ट, कितना 30,000। डेबिट क्या है अब अपने पास, कैश है, तो कैश पहले से ही रहता 30,000 ठीक है। ये हो गई, और इसको नरेशन देना है तो दे देंगे, वही ड्रॉ करें अपन ठीक है। ये हो गई दो एंट्रीज। थर्ड एंट्री F2 दबाया मैंने, 31st ले लिया, उसकी डेट ले लिया, टॉप टू बॉटम ये ऐसी अपने को हेड वाइज, मतलब ये कॉलम वाइज जाना है। अब फंक्शन की क्या है, F4 है,
F4 तो पहले से प्रेस करे हुए हैं, यहाँ क्रेडिट पूछ रहा, क्रेडिट क्या है अपने पास, SBI है, क्रेडिट क्या है अपने पास, SBI है, तो मैंने SBI यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, कितना है वो 3000, 3000, डेबिट क्या है अपने पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नया अकाउंट आया ना, तो अल प्लस सी करके नया अकाउंट आया, तो अल प्लस सी करके क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इससे पहले है क्या कहीं ऊपर, नहीं है, तो अल प्लस सी करके उसको क्या करो, क्रिएट करो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक अकाउंट, ठीक है। और ये पूरे शॉर्टकट की मैं एक अलग से इसका बनाऊंगा, तो उसमें आपको पूरे शॉर्टकट की एक्सप्लेन करूंगा, अलग से उसका ट्यूटोरियल बनाएंगे अपन। यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो अमाउंट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, यहाँ पे आप यहाँ पे नरेशन में लिख सकते हैं कि अमाउंट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक कितना है वो 3000, ठीक है। ये होगी थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री देखो, फोर ट्रांजेक्शन में क्या है, SBI टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो वो पहले क्या पूछ रहा है, क्रेडिट पूछ रहा है, तो फिर यहाँ पे क्रेडिट क्या है अपना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो यहाँ पे मैंने बने हुए वो पहले से अपने पास लेजर दोनों है ना ऊपर बने हुए, तो खाली क्या करना है, सेलेक्ट करना है करके उसको 1500। डेबिट क्या है अपने पास, ये डेबिट है देखो SBI, तो मैंने SBI लिया 1500, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम ट्रांसफ़र फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैश ट्रांसफ़र फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू SBI है नरेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे बैलेंस शीट में कैसा हुआ, ये बैलेंस शीट में देखो, यहाँ पर कैश में भी है अमाउंट और बैंक में भी है, क्योंकि कैश और बैंक से तो हुए अपने ट्रांजेक्शन, कैश में इतना आया देखो, कॉन्ट्रा ये कॉन्ट्रा एंट्रीज, और अंदर जाते तो और दिखेगा, ये जो अपन ने जनरल एंट्री पास करें, ये बैंक में भी ट्रांजेक्शन है, दो बैंक है अपने पास, कौन से, बैंक ऑफ महाराष्ट्र था और SBI था, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कितने ट्रांजेक्शन हुए बता देगा, कितने ट्रांजेक्शन है, और लास्ट में ये क्लोजिंग बैलेंस ये सब बताएंगे, ये डेबिट क्रेडिट माइनस हो गए 1500 ये यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस 3000 में से 1500 गए, तो 1500 रिमेनिंग है, ठीक है। हैव अ नाइस डे।